Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, आज की जो वीडियो लेक्चर है वो है सिन बोर्ड न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स की मॉडल पेपर नंबर 1 2024 जो आपको बोर्ड ऑफ एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से मुहैया किया गया है वो आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप है विद मार्किंग स्कीम के साथ कि बोर्ड में आपको कितने स्टेप पर कितने नंबर मिलेंगे ये आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं। तो सेक्शन सी आज करेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी फोर। आपको 6 पार्ट दिए जाते हैं, 6 में से आपको 4 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। पहला पार्ट जो लिया गया एक्सरसाइज 4.1 से लिए गए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z की पावर 4। आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, आप सॉल्यूशन की एडिंग डालने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे। अच्छा अब इसको देखो, इसको आप ब्रेक करोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो देखो ए स्क्वायर में तोड़ा मैंने 2ab, बी की वैल्यू क्या होगी वाई, तो यहां पर लिखा वाई का स्क्वायर। इस 9z4 को मैंने ब्रेक किया 3z स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं फॉर्मूला मेंशन करूंगा यहां पे, इसमें बंद करूंगा इसको। अब अगला स्टेप देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, क्या यहां पे एक मजीद फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये पूरा ए बन गया, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी का स्क्वायर बन गया। तो अब आप इसको फॉर्मूले से ब्रेक कर दीजिए, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर और ए माइनस बी एक्स प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर हो गया। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा गया, ये बड़ा ही मोस्ट रिपीटेड पार्ट है बेटा, ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 88, ठीक है। वहां पर शायद वेरिएबल एक्स दिया है, इसे चेंज करके ए कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डमीज को वो चेंज कर सकता है, वाई जी एक्स कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, आपने लिखा भाई ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1, तो आपने इसको ए प्लस बी के उसका में तोड़ना है, इसके लिए आप कोई ना कोई टर्म को एड और सेपरेट करेंगे। अब जरा और से देखिएगा, इस वाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म स्क्वायर बनना है तो उसको तोड़ो, ए स्क्वायर 4 2 8 और 1 का स्क्वायर, बीच में क्या मिसिंग है 2ab, तो 2 अपनी तरफ से जोड़ो, a क्या है a4 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा ये टर्म यहां पे नहीं थी ना, देखो मैंने रेड मार्कर यूज किया है, तो बैलेंस करने के लिए माइनस में लिख दो, माइनस चॉइस ऑफ a4 और 1, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अपने फायदे के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं प्लस का कर रहे हैं तो फिर माइनस बैलेंस में करना पड़ेगा। और आखिरी टर्म ये जो बीच वाली मिडिल टर्म छोड़ दी थी ये हमने यहां पे लिख दी, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैच करो जरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएंगी और ये वाली टर्म ऐसी सॉल्व होंगी। तो जरा देखिएगा, ए 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए 4 ऐसे लिखा आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2a4 हो गया। अच्छा 1a4 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो अगले पेज पे देखते हैं इसको। अच्छा अब देखें मैडम, ए 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए 4 बचेगा। अब हम इसको फिर फॉर्मूले के अंदर ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर में, तो ए 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा आप देखो, ये पूरा टर्म बन गया ए, ये बन गया बी, ए 4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, ए 4 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा अब मसला ये कि ये वाली ब्रैकेट जो है ना, ये वाली ब्रैकेट इसी तरीके से मजीद ब्रेक हो सकती है। तो आंसर देखिएगा, आंसर यहां तक नहीं छोड़ दीजिएगा, इसको मजीद ब्रेक करना पड़ेगा। देखें इसको तोड़ेंगे आप, ए 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से लगाया, ए क्या बन गया ए स्क्वायर बन गया, बी को तोड़ा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ये वाली ए स्क्वायर जो है ना, ये ऐसे रही, ये चीज मैंने रेड मार्कर से ऐड की है तो सेपरेट करूंगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1। अच्छा फिर सेकंड वाली ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई में उसको ऐसे लिख दूंगा यहां पे, ये पूरी एक लाइन में लिखना है बेटा, ठीक है ना, ये पूरी एक लाइन ही चल रही है। अच्छा अब जरा और से देखो भाई, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला के अंदर बंद जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस का ए स्क्वायर रहा, माइनस 2a स्क्वायर
और ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, ये पूरी एक लाइन आ गई अगले स्टेप में। बेटे देखो, वन ए स्क्वायर में से माइनस टू ए स्क्वायर गया, माइनस वन ए स्क्वायर हो गया, ये वाली ब्रैकेट ऐसे आ गई। अब देखो इसको मजीद तोड़ेंगे, ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए स्क्वायर, तो इस पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये मजीद ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा। तो अगले स्टेप में देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए और ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए, और लास्ट वाली ब्रैकेट ऐसी मल्टीप्लाई में रही ए फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। अब ये मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 में से एक पार्ट लिया गया है, तीसरा वाला, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। आप यहां पे सवाल लिखेंगे कॉपी पेस्ट, उसके बाद आप इसको क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, 8x³ 2x³ हो जाएगा, फिर प्लस 3a² बी प्लस 3ab² याद होगा आपको, प्लस b³ हो जाएगा, 27 क्या होगा 3³ हो जाएगा। फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³। अब ये फॉर्मूले में बंद करके लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्या है 2x और b क्या है 3, तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये आपको फाइनल आंसर हो गया। अब 4.5 से एक सवाल लिया गया है, चौथा पार्ट, a की पावर 6 प्लस 1, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ए की पावर 6 प्लस 1। अब इसको क्यूब में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहती है। अच्छा, फॉर्मूला मेंशन करो, लिखो यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ए बराबर है ए स्क्वायर के और बी बराबर किसके, 1 के, तो तोड़ो फॉर्मूले का, ए स्क्वायर 1 और यहां देखो ए स्क्वायर लिखा माइनस ए बी लिखा प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पावर 4 मल्टीप्लाई होगी ए 4 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 1। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, यह अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आंसर है। अब अगला सवाल 4.2 एक्सरसाइज से लिए गए, पांचवा पार्ट, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y² बेटा। अब आप देखो इसके मिडिल टर्म ब्रेक करने पड़ेगी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, 38 के टुकड़े बनाएंगे फैक्टर्स। अब देखो 3x² माइनस 39xy प्लस 1xy माइनस 13y², 39 वन जा 39 और माइनस 39 से प्लस 1 गया, माइनस का 38 आ गया। यहां से देखो 3x कॉमन निकालोगे, 2x में से एक x अंदर एक बाहर आएगा, x माइनस 13y। अब यहां से ऐसी चीज कॉमन निकालोगे x माइनस 13y आए, तो y कॉमन निकाला x माइनस 13y आ गया। अब पहले कॉमन फैक्टर निकालो x माइनस 13y, फिर क्या बचेगा 3x प्लस y, ये आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आंसर है। छठा पार्ट बेटा 4.2 एक्सरसाइज से लिया गया, अब जरा देखिए 4t4 की प्लस 1। अब इसकी ट्रिक मैंने लिख दी है, जब टर्म्स दो टर्म्स दी जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो कभी भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, हमें यहां एक टर्म ऐड और सेपरेट करना पड़ेगी, फिर a प्लस बी को स्क्वायर वाले फॉर्म में बंद करना पड़ेगा। तो अब देखिए भाई 4t4 को मैंने ब्रेक किया, 2t² का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या बन गया 2t² और b क्या बन गया 1 और प्लस ये लास्ट वाली टर्म है b², तो b का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा ये टर्म इजाफी ऐड किए तो बैलेंस करूंगा माइनस करके, माइनस ट्वाइस ऑफ 2t² इंटू 1। अच्छा अब देखें बेटा, अब देखिए यहां पे फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। शुरू की तीन टर्म्स देखी हुई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला बन गए 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4t मल्टीप्लाई करेंगे 4t² हो गया। अच्छा अब देखो 4t² को मजीद ब्रेक करो 2t का स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला मेंशन करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से टुकड़े बनेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बनेगा 2t² प्लस 1 प्लस 2t और 2t² प्लस 1 माइनस 2t, ये मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की जानी पढ़ते हैं, 13 आपके पास पूछा गया है एक्सरसाइज नंबर 7.3 से, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास ग्राफ का सवाल होता है, आप देखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द
following simultaneous equations by graphical method. Find four order pair for each equation. अच्छा, इसमें मैंने ट्रिक भी लिख दी है, अब जरा देखिए. नोट, वाई वेरिएबल को हमेशा सिंगल लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होता है और एक्स वेरिएबल को राइट हैंड साइड पर. इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन कंसीडर करो, 3x = 5y - 2. तो मैं 5y को इधर रखूंगा, माइनस 2 को उधर शिफ्ट करूंगा, तो 3x + 2 हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, सिंगल में आ गया. तो y यहां पे लेफ्ट पे रहेगा और x की तमाम टर्म्स राइट पे रहेंगी. ये याद रखिएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1, वरना आपके नंबर एग्जाम में कटेंगे. अच्छा, अब आप 12 वैल्यूज पुट करेंगे, पुट x. अच्छा, अब क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, इसकी ट्रिक ये है कि ऐसे नंबर सोच रहे हैं जो के पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होकर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पूरे पूरे डिवाइड हो, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते बेटा. अब देखो, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में जहां जहां x है वहां पे 1 डाल के, x की 1 डाल के और सिंप्लीफाई करेंगे. अब जरा देखिए, अगले पेज पे आ रहा हूं. अब देखिए, अगर आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए बल्कि होल नंबर में आए. अब देखिए, 1 इज इम्प्लाइज्ड, हमने x3 का 1 डाला, 3 + 3 = 5 हो गया, 5 से 5 पूरा कैंसिल हो गया, y की कीमत 1 आ गई, और साथ में इसका ऑर्डर पेयर लिख दिया. ऑर्डर पेयर में पहले x की कीमत लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है. अब 12 वैल्यूज अगली. अब देखो बेटा, पुट x = -4 डालो, ठीक है, प्लस में भी डाल सकते हैं, माइनस में भी डाल सकते हैं. तो देखो, x इज इक्वल टू माइनस 4 डाला इन इक्वेशन नंबर 1, 1 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 - -4 + 2/5, ठीक है भाई. अब देखो, मल्टीप्लाई किया तो ये -12 हो गया, +2, -12 में से 2 गया -10, 5 × 2 = 10, y की वैल्यू आ गई -2 आ गई. अब ऑर्डर पेयर बनेगा -4, -2. अब अगली देखो, अब यहां पर पुट x इज इक्वल टू 6 डालूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, 1 इज इम्प्लाइज दैट 3 × 6 + 2/5, 6 × 18, 18 × 2 = 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, y की कीमत क्या आ गई 4, तो 6, 4 आपका एक जो है ऑर्डर पेयर बन गया. फिर x की वैल्यू पुट करूंगा -9 पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1 में. अब देखो, 1 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 × -9 + 2/5, ±9 = 27, -27 में से +2 जाएगा ओवर 5, तो -25/5, 5 × 5 = 25, तो y की वैल्यू क्या हो गई -5, और ऑर्डर पेयर क्या बन गया -9 और -5. तो ये 4 ऑर्डर पेयर आपके बन चुके हैं. अब हम इसको चार्ट में लिख लेंगे. अब देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा, इक्वेशन लिखा सबसे पहले 3x = 5y - 2. अब मैंने एक्स वाई का चार्ट बनाया, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो 1 आया, -4 डाला तो -2, 6 डाला तो 4 आया, -9 डाला तो -5 आया, ठीक है. अब दूसरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा बेटा. कंसीडर किया 3x + 5y = 8, 5y = अब मैंने y को एक तरफ रखना है, मैंने आपको बताया, तो 3x को दर्शित करेंगे तो 8 - 3x हो गया, 5 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा, तो y = 8 - 3x/5, इक्वेशन नंबर 2. पुट अब x की वैल्यूज ऐसी करेंगे कि होल नंबर में आंसर, पुट x = 1 इक्वेशन नंबर 2, 2 इज इम्प्लाइज दैट y = 8 - 3 × 1/5, तो 3 × 3 = 8 - 3, बेटे 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो y = 1 आ गया. ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1, 1 आ गया. पुट x = 6 इन इक्वेशन नंबर 2, 2 इज इम्प्लाइज दैट y = 8 - 3 × 6/5, 8 - 18/5, सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे, तो y = -10/5, 5 × 10, y = -2, तो 6 - 2 इसका ऑर्डर पेयर आ गया. पुट x = -4 इन इक्वेशन नंबर 2, अब 2 समझाइज दैट y = 8 - 3 × -4/5, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 12 कितना हो गया बेटा 20 हो गया, 5 × 4 = 20, तो जरा देखिएगा y की वैल्यू हो गई 4, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया -4, 4. अब एक ऑर्डर पेयर और निकालते हैं, y पुट x = -9 इन इक्वेशन नंबर 2, 2 इज इम्प्लाइज दैट y = 8 - 3 × -9/5, -9 प्लस
नौ तीस सत्ताईस, सत्ताईस और आठ थर्टी फाइव, फाइव सेवन थर्टी फाइव, वाई इजिकल टू सेवन हो गई। और ऑर्डर पे देखिएगा यहां पे क्या होगा, माइनस नाइन और सेवन आ गया। इसके बाद मैं इसका चार्ट यहां पे बना के लिख दूंगा। पहले मैंने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन के बाद ये चार्ट लिख दिया, एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है, जो मैंने चार चार ऑर्डर पेयर निकाले हैं। इसमें से एक ऑर्डर पेयर बिल्कुल सेम आ रहा है, वन वन, और वही हमारा आंसर होगा, जो कि ग्राफिकल इलस्ट्रेशन से भी वही आना चाहिए। अब देखिए बेटा, अब मैंने इसको ड्रॉ करके बताया है, जरा और से देखिएगा इसको। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्केल डिफाइन कर दिया है। इस स्केल को देखिएगा, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस फाइव स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू वन डिजिट। अब जरा और से देखिए, मैं इसको पूरा दिखा रहा हूं। पहले मैंने वन कॉमा वन ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद हमने देखें यहां पर क्या आया था, एक पहला जो है वन कॉमा वन पहली इक्वेशन के लिए, फिर एक आया सिक्स के ऊपर आया था, आपके पास फोर आया था, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ब्लैक डॉट जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे। इसके बाद एक आया था माइनस फोर पर, माइनस टू आया, ठीक है, फिर एक आया बेटा माइनस नाइन पर, ये आपके पास माइनस फाइव आया था। तो ये चार पॉइंट्स आ गए। अब आपने स्केल की मदद से ये पूरी लाइन को जो है स्ट्रेट लाइन से मिला दी और थोड़ा सा आगे एरो बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मेंशन कर दिया कौन सी लाइन की इक्वेशन है, थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टू। अच्छा भाई, अब आप आओ सेकेंड वाली लाइन को जो मैंने ये रेड मार्कर से क्रॉस किया। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए रेड मार्कर्स यूज किए हैं, मगर आपने ऐसे साफ सुथरा काम करना है एग्जाम में और वहां पर पेंसिल इस्तेमाल करनी है बेटा। Is that clear? अच्छा, पहला तो वही आया था वन वन, तो यहां पे वन वन आ गया, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद आपके पास जो है दूसरा पॉइंट आया वो सिक्स कॉमा माइनस टू आया, ये रेड मार्कर से मैंने शो कर दिया, एक वन वन आ गया ये, फिर सिक्स कॉमा माइनस टू आ गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, एक हमारे पास माइनस फोर एक्स पर जो है प्लस का फोर आया था, तो ये रेड आ गया, फिर एक आखिरी आया माइनस नाइन पर प्लस सेवन आया यहां पे, तो एक दो तीन चार इनको मैंने रेड मार्कर से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया है बेटे, ये देखिएगा, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे सिर्फ लिख दिया वन कॉमा वन ऐसे ब्रैकेट में, और ऐसे सॉल्यूशन सेट लिखना है, पहले आपने कर्ली ब्रैकेट बनानी है, फिर ऐसे शो कर देना है। तो ये पूरा और हर पॉइंट पर ऐसा ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में डालते हैं बेटा, ये मैं बता दूं, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज को देख लीजिए। पूरा मैं ग्राफ यहां पर शो कर रहा हूं, किस तरीके से ड्रॉ किया है मैंने, और बिल्कुल इक्विवेलेंट आया है, स्केल भी डिफाइन कर दिया है, और जिस लाइन की इक्वेशन में लिखी वो लाइन की इक्वेशन भी लिख दी है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा प्रॉपर ग्राफ है इस सॉल्यूशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की जानी पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपसे पूछा जा रहा है, इफ इन द, ये थ्योरम का सवाल आ गया, ठीक है, इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्स एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव इट, साबित करें। अच्छा, ये आपके पास जो है सी पेज नंबर 189 पर बुक में देखी गया, यूनिट नंबर 9, थ्योरम नंबर 9.1.4 है, ये आप उसमें से देख सकते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहली क्लास में इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं। हमने न्यूमेरिकल वर्क उठाना है। क्वेश्चन नंबर 15 आया है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, प्रूव इट, सी पेज नंबर 196 बेटा, यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है, थ्योरम नंबर 10.1.3, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 आखिरी सवाल की जाने। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है एक्सरसाइज नंबर 16.1 से लिया गया है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना सॉल्यूशन के बाद।
इसको ए नाम दे देना, यहाँ बी शो कर दो, यहाँ पे सी शो कर दो। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप लिखोगे, है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला जो है आपने शो करके दिखा दिया यहाँ पे, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के स्क्वायर। और यहां देखिएगा फॉर ए बी, पहले ए बी के लिए काम करोगे तो डी इज इक्वल टू ये ए बी, ये मॉड लगाते हैं, मॉड डिस्टेंस को शो करता है। पहला पॉइंट हमेशा एक्स वन वाई वन होता है ए का, शो कर दो। बी जो होता है एक्स टू वाई टू होता है, ये शो कर दो 4,0। अब फॉर्मूला के अंदर डाल दो भाई, जहां पर x1 है x1 डाल दो, जहां पे y1 है y1, और जहां पे x2 है x2, और जहां पे y2 है तो y2। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल हो गया खत्म, ये भी 0 खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बचा। तो यहां तक आप स्टेप देख लीजिए, 3 नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखें, अब सबसे पहले ए बी, अब देखें अगर मैं इसको 16 कर लेता तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आया था, मगर मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसका रूट कैंसिल कर दिया, 4 आ गया। बाहर यूनिट लिखना ना भूलेगा, इसके नंबर कटेंगे आपके, तो ये आपके पास ए बी डिस्टेंस आ गया। अब आप हेडिंग डालोगे फॉर बी सी के लिए, बी सी के लिए डी इजिकल टू आप लिखोगे बी सी डिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या बी है ना, तो इसको एक्स वन वाई वन बना लो 4,0, और दूसरा पॉइंट एक्स टू है सॉरी सी है तो एक्स टू वाई टू बना लो 2,2√3। बेटा आप वैल्यूज पुट कर दो, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 0 हट गया 2√3, स्क्वायर से माइनस हो जाता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 स्क्वायर 2 पे पड़ा तो 4, 4 थ्री से 12 क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो गया 3, तो यानी कि अगला डिस्टेंस निकालेंगे 3 नंबर आपका, ठीक है, यूनिट्स लिख दूंगा। अब अगला यूनिट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, उसके भी 3 नंबर होंगे, आखिरी एक नंबर आंसर का। तो फॉर एसी डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मॉडस एसी, अब ए के पास एक्स वन वाई वन बन जाएंगे 0,0, और सी के पास एक्स टू वाई टू बन जाएंगे 2,2√3। अब इसको अगले पेज में मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए बेटा, हमने यहां पे लिखा एसी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ए सी देखो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर बन गया, और वही बात है 2√3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 थ्री से 12 बनेगा, ये 12 और 4 16 हो गए, 16 का रूट निकालोगे तो 4 हो जाएगा, यूनिट इसको भी निकालेंगे 3 नंबर हो गए आपके। अब आखिरी नंबर एक नंबर जो रह गया, तो 10 नंबर का सवाल है, तो वो आपका फाइनल आंसर का है। क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तीनों डिस्टेंस को शो करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होती है उसको पैरामीटर कहते हैं। 4 + 4 + 4 12 यूनिट्स, ये एक नंबर का हो गया इतना, तो 10 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ वो और देता है आपके पास एक थ्योरम, थ्योरम को भी देख लेते हैं कौन सा पूछा गया है, ठीक है। अब देखें, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ साइड्स अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection it of the other, prove it. See page number 216, unit number 15 से पूछा गया है, थ्योरम नंबर है 15.1.2, ठीक है। तो ये और का सवाल था, इसलिए आपने न्यूमेरिकल कर लिया, इसको छोड़ दीजिएगा, 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए बेटा। तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड होती है। अब मजीद मॉडल पेपर्स के लिए आप चैनल को देखते रहेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।